धौलपुर जिले में अपराध चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और पुलिस महकमा अपराधियों के सामने बौना साबित हो रहा है। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब इनके हाथ एसपी ऑफिस में तैनात कर्मियों के परिजनों के ग्रेवन तक पहुंच गए हैं। हालात ये हैं कि एसपी ऑफिस धौलपुर में पदस्थापित हरिओम पचौरी की बहन उषा शर्मा के गले से बुधवार को दिन दहाड़े शहर के जगन चौराहे पर दो बाइक सवार बदमाश गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। पीड़िता उषा धौलपुर शहर के गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका है। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद सीओ सिटी सुरेश चंद सहित कोतवाली और निहालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। मामला यूं है कि शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की 22 प्रिंसिपल उषा शर्मा पत्नी रमेश चंद शर्मा स्कूल की छुट्टी होने पर दशहरा रोड होते हुए बाग भवा साहब धौलपुर स्थित अपने घर जा रही थी। रास्ते में जगन तिराहे पर दशहरा रोड के मोड़ पर हट ठेले से अनार खरीदने लगी। इस दौरान दो बाइक सवार युवक अनार विक्रेता के पास आकर रुके और चालू बाइक पर ही बैठे बैठे अनार के भाव पूछने लगे। मौका मिलते ही शिक्षिका उषा के गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर तेज गति से बाइक से भाग गए। महिला ने भागकर बाइक सवारों को पकड़ने की कोशिश भी की, वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन तब तक बदमाश शहर के भामतीपुरा की तरफ भाग गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद पीड़िता निहालगंज थाना पहुंची तो पुलिस ने कोतवाली थाना इलाके का मामला बताकर कोतवाली भेज दिया और जब पीड़िता कोतवाली थाना पहुंची तो उन्होंने घटना निहालगंज थाने की बताकर वापस भेज दिया। बाद में एसपी ऑफिस में तैनात पीड़िता के भाई हरिओम के हस्तक्षेप के बाद शाम को निहालगंज थाने में घटना की तहरीर दी है। आप खुद सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह फल खरीद रही शिक्षिका से बाइक सवार दो बदमाश चेन तोड़कर भाग रहे हैं और शिक्षिका उनके पीछे भागकर पकड़ने का प्रयास कर रही है। सैफू उपखंड क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल की वेबसाइट को हैंग करने का मामला बुधवार को प्रकाश में आया है। वेबसाइट को हैंग कर आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन को रद्द कर दिया है। ये कारनामा किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या है, यह तो अभी जांच का विषय है, लेकिन इस कारनामे से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। उधर वेबसाइट हैंग होने के कारण सरकार की इस योजना के तहत पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों के भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है। मामला सैफू उपखंड के क्षेत्र पिपहरा स्थित अभिषेक उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। विद्यालय के संचालक अभिषेक ने बताया कि विद्यालय में सरकार की आरटीआई के तहत पात्र कुल 64 छात्र छात्राएं का नामांकन है, जिनमें से अचानक किसी अज्ञात के द्वारा विद्यालय की वेबसाइट को हैंग कर 22 बच्चे के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इस तरह अचानक वेबसाइट हैंग कर बच्चे के नामांकन रद्द करने से बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। इस कारनामे को लेकर स्कूल संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में शिकायत की है। वहीं राजस्थान आरटीई की साइट पर भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है और जिन बच्चों के नामांकन रद्द किया गया है उनका पुनः नामांकन कराने की मांग की गई है। हमारे आरटी के पोर्टल से किसी व्यक्ति ने विद्यालय का पासवर्ड हैंग कर लिया। हैंग करने के बाद जो आरटी में राजस्थान सरकार द्वारा 25% निःशुल्क बच्चे होते हैं जिनका पुनर्वण सरकार करती है, और जो गरीब बच्चे हैं जिन पर फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा देते हैं, उन 22 बच्चों का उस पोर्टल से नाम पृथक कर दिया है। वो बच्चे वर्तमान में हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। सभी अभिभावक हमारे पास आए, वो हमसे मिल रहे हैं और हमारे सामने ये निवेदन कर रहे हैं कैसे भी करके हमारे बच्चों को जुड़वाएं। तो हमारा
सरकार से निवेदन है कि उस अपराधी के प्रति जिसने ऐसा कार्य किया है उसके प्रति दंडनीय कठोर कार्रवाई की जाए और उन गरीब बच्चों को द्वारा पुनः जोड़ा जाए जिससे उन गरीब बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। यदि आप IDBI बैंक के उपभोक्ता हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब 4 दिन तक लगातार बैंक बंद रहेगा, इसलिए अब आप सोमवार से ही बैंक की सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। IDBI बैंक धौलपुर के प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को बैंक के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए बैंक में लेन देन सहित सभी कार्य बंद रहेंगे। वहीं शनिवार को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा तथा रविवार को शुरू से ही बैंक बंद रहता है, इस कारण सोमवार से ही लोग IDBI बैंक की सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। सरकार के द्वारा भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन धौलपुर जिले के सैफपुर उपखंड मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल बदहाली से जूझ रहा है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा प्राप्त हॉस्पिटल में मरीज सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां जनरेटर की भारी कमी खल रही है। जनरेटर नहीं होने के कारण आज घंटों विद्युत गुल होने पर वार्ड में भर्ती मरीज गर्मी से बेहाल होते देखे गए। आज उपखंड मुख्यालय पर लगातार कई घंटे की अघोषित विद्युत कटौती से हॉस्पिटल में भर्ती मरीज गर्मी से पसीना पसीना होते रहे। विद्युत की अघोषित कटौती होने पर हॉस्पिटल में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, ऐसे में प्रसूता वार्ड में भर्ती प्रसूताएं गर्मी से बेहाल होकर हाथ के पंखों से हवा करती रहीं। वहीं अनेकों मरीज बाहर खुले में मजबूरन पेड़ों के नीचे जमीन पर लेटकर पेड़ों की डालियों से ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने के लिए मजबूर देखे गए। स्थानीय निवासी हरिओम उर्फ बॉबी पारासर व ब्राह्मण समाज के युवा नगर अध्यक्ष रजनीकांत शर्मा ने बताया कि उपखंड मुख्यालय पर असीमित विद्युत की अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे बाजारों में प्रतिष्ठानों पर कामकाज ठप बने हुए हैं। वहीं हॉस्पिटल में जनरेटर नहीं होने के कारण रोगियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं मरीजों के परिजन लज्जावती व प्रेमवती ने बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती जच्चा व नवजात शिशु को गर्मी के कारण भारी परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ पर मरीज के लिए भारी तादाद में असुविधाएं बनी हुई हैं। हॉस्पिटल में प्रतिदिन 600 से 700 मरीज की OPD बनी हुई है। यहां आने वाले मरीज के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में जनरेटर नहीं होने के कारण कई बार यहां सड़क दुर्घटनाएं व अन्य आपातकाल के समय आने वाले गंभीर रोगियों को विद्युत के अभाव में मोबाइल की रोशनी में उपचार किया जाता है। वहीं लेबर रूम में प्रसव मोबाइल और मोमबत्ती के उजाले में किया जाता है। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल अपनी बदहाली पर बयां कर रहा है। समस्या उपखंड मुख्यालय पे अनिश्चित काल के लिए लाइट कटौती की गई है, कोई अधिकारी संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं देता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं और सभी गांव की जो विद्युत व्यवस्था है वो पूरी ठप पड़ी हुई है, जिससे व्यापारियों का कारोबार ठप हो रहा है। वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने वाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत नगला खरबपुर में जगह जगह माला व साफा बांध कर लोगों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत में आस पड़ोस के गांव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने क्षेत्रों के लोगों की समस्या सुनी व उनका निस्तारण किया। लोगों में कांग्रेस के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। मैंने छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्षेत्र की सब समस्या सुनी, सबकी समस्या का हल किया और आगे भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल का सरपंच दिनेश लोधा सहित पंचायत के लोगों ने स्वागत किया। मनोज पोसवाल ने कहा कि कांग्रेस युवाओं की पार्टी है, राजनीति में युवाओं को आगे ला रही है। इस सरकार ने युवाओं की अवहेलना की है, भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। कार्यक्रम का संचालन युवा कांग्रेस के वाड़ी विधानसभा अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में PCC सदस्य अजमेर सिंह लोधा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान, सरपंच दिनेश लोधा,
विनोद त्यागी, दिलीप गुर्जर, ब्रजराज सिंह, नवल लोधा, वासुदेव शर्मा, मुरारी शर्मा, विशंबर रावत, रज्जो सेठ, मोहन प्रकाश शर्मा, प्रसादी लाल सेन, राधे शर्मा, पप्पू शर्मा, मुन्नालाल सक्सेना, माधुरी सेन, राजेंद्र सिंह, मोतीलाल जाटव, फगुनी जाटव, रामस्वरूप जाटव, रमेश जाटव, मुन्ना मेहतर आदि उपस्थित रहे। मनिया थाना इलाके के NH3 पर बराठा चौकी के पास कार ट्रैक्टर और लोलैंड टेम्पो आपस में भिड़ गए। इसमें कार सवार एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। 3 को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कार सवार दंपति ग्वालियर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। गलत दिशा में जा रहे ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में सामने से आ रहे लोडिंग टेम्पो से कार की भिड़ंत हो गई तथा ट्रैक्टर दोनों वाहनों में घुस गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो गए। कार में सवार दंपति व ट्रैक्टर पर बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टेम्पो चालक को मामूली चोटें आई हैं। घायलों में तेज सिंह पुत्र भवन सिंह निवासी दीनदयाल नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश व उसकी पत्नी शारदा, ट्रैक्टर चालक विष्णु पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गुनपुर शामिल है। 2 दिन में रुक रुक कर हो रही बारिश से रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर की जर्जर दीवार भरभरा कर कासपाड़ा मोहल्ले की तरफ गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस समय दीवार गिरी उस समय यहां कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने पर स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए व रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि इस जर्जर दीवार के गिरने का अंदेशा हमने कई बार रोडवेज प्रबंधन के सामने जताया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घटना के बाद मौके पर JCB मशीन मंगवा कर मलबे को हटाया गया। 1 मई को हमने इनको कंप्लेंट लिखी थी कि ये तुम्हारी इनके अधिकारियों को बोला था कि दीवार गिरने वाली है, उसके बाद में भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने मिस्त्री भी कुछ बुलवाए, किसने सुनवाई नहीं की? इन रोडवेज वालों ने, अधिकारियों ने, मिस्त्री भी आए और देख दाख के इनका पैसे के पीछे पता नहीं क्या हुआ, लेन देन सेटलमेंट नहीं बैठा क्या हुआ, उसके बाद में चले गए। उसके बाद में दोबारा फिर हमने एक बार और इनको बोला है, न्यूज में भी निकलवाया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन पर दिन ये दीवार एकदम फूलती जा रही थी और हमने अधिकारियों को फिर बोला एक बार। सर, हमारे 9th क्लास में अब तक 44 छात्रा थी और 44 छात्र 44 साइकिल प्राप्त कर ली है। 15 अगस्त तक यदि और भी कोई बच्ची और एडमिशन लेती है तो उनको और मांग पत्र भेजेंगे और उनको बांटेंगे। ये आज सारी बढ़ चुकी हैं, ठीक है सर। हमारे 9th क्लास में अब तक 44 छात्रा थी और 44 छात्र 44 साइकिल प्राप्त कर ली हैं। 15 अगस्त तक यदि और भी कोई बच्ची और एडमिशन लेती है तो उनको और मांग पत्र भेजेंगे और उनको बांटेंगे। ये आज सारी बढ़ चुकी हैं, ठीक है सर। विद्या भारती संस्थान जिला धौलपुर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों की 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन आदर्श विद्या मंदिर सरमथरा में हुआ, जिसमें संकुल प्रमुख भगवान सहाय, अध्यक्ष शंकर सिंह जादौन, व्यवस्थापक ब्रजमोहन जिंदल, सतीश खेमरिया, प्रधानाचार्य विष्णु शास्त्री, राधेश्याम शर्मा, PTI रघुवीर राणा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए व्यवस्थापक ब्रजमोहन सिंगल ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक व नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। जीवन में खेल के माध्यम से भी अपनी अलग अलग पहचान बनाई जा सकती है। खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए। सरमथरा में ये शारीरिक प्रतियोगिताएं हो रही है जिला स्तरीय, जिसमें 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 3 बच्चियों के स्कूल हैं, बच्चियों के 3 दल हैं, सब दल के अलग अलग प्रभारी हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रतियोगिता होती है तो इससे बच्चों का शारीरिक विकास और इसमें हमसे जो कुछ भी होगा। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की ओर से मानव मंदिर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से शारदीय विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला सह संयोजक हरगोविंद बघेला ने बताया कि ABVP छात्र हितों में कार्य करने वाला एवं वर्ष भर कार्य करने वाला एकमात्र छात्र संगठन है। साथ ही विद्यार्थी परिषद की रीति नीति से भी सभी को अवगत कराया। जिला सह संयोजक राजू गुर्जर ने सर्वसम्मति से शारदीय विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा की। इकाई अध्यक्ष लोकेंद्र त्यागी, उपाध्यक्ष सनी शर्मा, मोहित शर्मा, सचिव अमर त्यागी, सह सचिव शैलेंद्र त्यागी, कला संकाय प्रमुख मनोज गुर्जर, विज्ञान संकाय प्रमुख नीरज शर्मा, वाणिज्य संकाय प्रमुख अंकित शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य जग्गू गुर्जर, मनोज त्यागी, प्रशांत शर्मा, अनूप शर्मा, अनिल शर्मा, अजय शर्मा, अंकित पारासर रहे।
YS मेमोरियल कॉलेज बसेड़ी की छात्रा रीता मित्तल ने महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी भरतपुर द्वारा जारी BSc तृतीय वर्ष के परिणाम में 84% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इसी कॉलेज की छात्रा शिवानी परमार ने BA की परीक्षा में जिले में 70% अंक प्राप्त किए हैं। इस पर दोनों प्रतिभाशाली छात्राओं का कॉलेज में माला पहनाकर स्वागत किया गया। कॉलेज निदेशक रघुराज सिंह परमार ने बताया कि इस सफलता के पीछे कॉलेज टीचर्स की टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम कराकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। परमार ने बताया कि महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा एवं खेलकूद जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। बसेड़ी विधानसभा के क्षेत्र कांग्रेस नेता व बाड़ी के पार्षद होतम जाटव ने बुधवार को बसेड़ी इलाके में कई गांवों में जनसंपर्क किया। गांव तिमासिया में वरिष्ठ कांग्रेसी बत्री प्रसाद परमार ने चुनावी चर्चा की। जनसंपर्क में प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस अजय मीणा, राजू शर्मा, जमुना दास, ईश्वरी प्रसाद, अनिल अरेला सहित कई लोग शामिल हैं। बसेड़ी में किशोरों को रोगों से आजादी पखवाड़ा के अंतर्गत राज्य की वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, जिसमें रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। काउंसलर प्रदीप कुमार अवस्थी ने किशोरावस्था के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा खान पान, साफ सफाई, एनीमिया, धूम्रपान एवं व्यवहार के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी दी तथा बचाव के उपाय भी बताए। छात्रों को उजाला क्लिनिक व 104 तथा 108 पर कॉल करने की सलाह दी गई। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत द्वारा बुधवार को BEO कार्यालय परिसर में 100 पौधे लगाकर टी गार्ड लगाए गए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र रजवारी ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी एक पौधा जरूर लगाएं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। BEO दामोदर लाल मीणा ने आश्वासन दिया कि पेड़ों की देखभाल BEO कार्यालय के कर्मचारी करेंगे। ADPC प्रेम सिंह कुंतल ने पेड़ लगाना पुण्य का कार्य बताया। एकीकृत कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रवान चौधरी ने प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बताया। जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि पिछले वर्षों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए पौधा लगाकर इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। पौधारोपण से ही स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत 500 पौधे विभिन्न कार्यालयों में लगाएगा। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर मनिया में साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें निःशुल्क साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल बांटी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य रामसेवक ने बताया कि कक्षा 9 की 35 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल योजना छात्राओं के लिए कारगर साबित हो रही है। समारोह में सरपंच जयवीर पोसवाल, शिवशंकर शर्मा, गोपाल प्रसाद शर्मा, महावीर मंगल, भारती बंसल, संध्या जैन, महावीर कनिष्ठ लिपिक, कांता चौधरी, मधुर चमन शर्मा, शिवदत्त, पूजा गौतम, शारीरिक शिक्षक श्रीराम विक्रम बघेल, बच्चू सिंह आदि मौजूद थे। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गौ तस्करी पर रोक लगाने तथा गौ रक्षकों के साथ प्रशासन द्वारा हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर हरफूल सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि आए दिन गौवंश की घटनाएं हो रही हैं एवं गौवंश को बेचा जा रहा है, गौ तस्करी की घटनाएं होती रहती हैं, यह सब प्रशासन की अनदेखी के कारण हो रहा है। जागरूक हिंदू नागरिक पुलिस को सूचित करते हैं तो उन्हें उल्टे उन्हीं को मुकदमे में लपेटा जाता है। ऐसी घटना रामगढ़ के तहसील गांव ललावटी में गौ तस्करों द्वारा रात्रि में गाय ले जाने पर हुई, जिसमें भी निर्दोष हिंदू युवक को फंसाया गया, जबकि गौ तस्कर की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। ज्ञापन देने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष ओमवीर सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष लेखराज सिंह परिहार, बजरंग दल के जिला सह संयोजक मनोज सोनी, करतार सिंह, अंकित शर्मा, सूरज प्रताप, गोविंद शर्मा, शुभम, हरीश शर्मा, रामानंद शर्मा, गोविंद पचौरी, सूरज ठाकुर, नरेश कुमार, अंकित शर्मा, बादल कुशवाहा, शैलेंद्र बंसल, प्रसून शैलेंद्र आदि लोग मौजूद थे। राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर भरतपुर में हुई बैठक में भाजयुमो की संभागीय मंत्रणा में धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें मुकुल कमठान, युवा नेता संजू कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य भीकम कुशवाहा, मोंटी पहलवान आदि शामिल हैं। बैठक में यात्रा के धौलपुर आगमन पर युवा मोर्चा के कार्यक्रम पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी से सलाह मशवरा की।
धौलपुर रायाखेड़ा मार्ग स्थित गांव जाटोली में सांड सूखे कुएं में गिर गया, जिसको पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से 7 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। शिवा तिवारी ने बताया कि सुबह करीबन 8 बजे गांव जाटोली में खेत पर बने सूखे कुएं में एक सांड अचानक गिर गया, जिसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हुई। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर सूचना दी, लेकिन अधिकारी ने यह कहकर फोन काट दिया कि ये मेरा काम नहीं है। उसके पश्चात गौरक्षक कार्यकर्ताओं को फोन किया गया तो सांड को बाहर निकालने के लिए जेसीबी नहीं होने का बहाना बनाते नजर आए, जिस पर ग्रामीणों ने जाटोली पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा को सूचित किया, जिस पर चौकी इंचार्ज तथा विनोद रावत एवं अन्य स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जेसीबी मालिक को फोन कर जेसीबी भेजने की बात कही तथा ग्रामीणों एवं पुलिस के सहयोग से 7 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से सांड को बाहर निकाला गया। मशक्कत करने वालों में सोलवन ड्राइवर योगेंद्र राजपूत जाटोली, सरपंच महाराज सिंह, शिवा तिवारी, हाकिम सिंह लोधा, मंगल सिंह, मोहन सिंह आदि अन्य ग्रामीण मौजूद थे। बाड़ी के चमनपाड़ा मोहल्ला निवासी पूर्व पार्षद दूदिया खान, पूर्व प्लाटून कमांडर आरएसी शरीफुद्दीन और उनकी पत्नी नूरजहां सहित और भी हाजी बाड़ी से रात्रि को हज जाने के लिए रवाना हुए। हज पर जाने से पहले शरीफुद्दीन और उनकी पत्नी नूरजहां को इरफान अहमद मतीन गौरी खान धौलपुर, सरफराज कलीम नूर धौलपुरी, राहिशुद्दीन अजरुद्दीन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पूर्व पार्षद दूदिया को प्रमोद शर्मा खिदरपुर वाले, राजकुमार भारद्वाज बनवारी ठाकुर, नगरपालिका चेयरमैन इरफान अहमद, मलिक जावेद खान, संजू खान अजमेरी, माजिद आरिफ, राजू आसिफ, फिरोज सहित अनेक लोगों ने फूल मालाओं से लाद कर गले सिकवे दूर कर गले मिलकर हज यात्रा के लिए रवाना किया। जिले के बसई नवाब कस्बे के गांव भोलापुरा में भागवत सप्ताह चल रही है। सप्ताह के अंतिम दिन बुधवार को कथावाचक पंडित संतोष आत्मानंद महाराज ने रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र सहित अन्य प्रसंगों की कथा सुनाई। कथा के दौरान पंडित ने कहा कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इससे मनमुटाव होता है। ये सामाजिक रूप से तो गलत ही है, धार्मिक रूप से भी इसे बड़ा अपराध माना गया है। उन्होंने सुदामा चरित्र के दौरान भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया। पंडित ने कहा कि दो मित्रों के बीच अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के आने का समाचार मिला तो वे खुद आसन से उठकर दौड़े चले आए, वह गले लगा लिया। यही कारण है कि दुनिया में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर हो गई। यजमान के विजेंद्र त्यागी और इलायची त्यागी ने बताया कि सप्ताह के समापन पर महाआरती की गई, वह प्रसाद वितरण किया गया। गुरुवार को भंडारा होगा। सप्ताह के दौरान विनोद त्यागी, रमाकांत, राजवीर, पूर्व प्रधान बनवारी लाल, गिरीश, दिनेश सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। धौलपुर तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा 11 अगस्त शनिवार को प्रातः 7 बजे मौनी सिद्ध की पवित्र गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि श्रवण कृष्ण हरियाली एवं शनि अमावस्या पर तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा दान एवं देव पितरों को तर्पण विशेष फलदायी है तथा मचकुंड सरोवर की परिक्रमा लगाने से इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। इस अवसर पर परिक्रमा मार्ग में स्थित धार्मिक स्थलों पर फूल बंगला झांकी एवं अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी एवं पेयजल की व्यवस्था की गई है। रायाखेड़ा पंचायत समिति कर्मचारी संघ के चुनाव पंचायत समिति रायाखेड़ा सभागार में हुए, जिसमें कनिष्ठ सहायक राजेंद्र सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी दिव्या राठौर ने कहा कि कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं को उच्चाधिकारियों व सरकार तक पहुंचाना उनका समाधान कराने में कर्मचारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजेंद्र सिंह इस कार्य को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है, उनकी काबिलियत इस पदभार में काम आएगी। राजेंद्र सिंह ने भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर भरोसा दिलाया। वहीं पंचायत प्रसार अधिकारी राजेंद्र सिंह राठौर व रामदीन ने संगठन में नवीन ऊर्जा के संचार की बात कही। इस अवसर पर रघुवर बघेल, महेश चंद मीणा, चंद्रवान प्रेम सिंह, संजीत धीरव, प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, मोहम्मद वसीम, विष्णु कुमार भी मौजूद थे।
भारत वाहिनी पार्टी के संस्थापक घनश्याम तिवाड़ी के द्वारा युवा वाहिनी पार्टी की कार्यकारिणी गठित की गई। चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को चुनाव चिन्ह बांसुरी दिया गया है। सभी ने तिवाड़ी को राखी बांधकर राजस्थान की रक्षा का वचन लिया तथा पार्टी को विस्तार रूप दिया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को पद दिए गए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु जैन व विप्र संजीव की अनुशंसा पर योगेश कुमार मुद्गल निवासी भगवानपुर रायाखेड़ा को भरतपुर संभाग के आईटी सेल प्रभारी पद पर नियुक्त किया है। योगेश मुद्गल ने घनश्याम तिवाड़ी का आभार जताया।